हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये जो मॉडल है ये बजाज पल्सर 220 बेसिस का मॉडल है, तो नया वाला ये मॉडल है। तो इसका जो आज काम होगा, इसका क्लास प्लेट चेंज होगा। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में इसका क्लास प्लेट का प्राइस बताने वाला हूँ, जो बजाज पल्सर 220 का क्लास प्लेट का कितना प्राइस है। तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मालूम चलेगा क्योंकि बजाज पल्सर 220 का क्लास प्लेट और असेंबली का क्या प्राइस है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। और गाइस, ये जो बाइक है ज़्यादा दिन नहीं हुआ है परचेस करने का, तो गाइस आई थिंक 3 से 4 महीने होगा परचेस करने का टाइम हुआ है, बट उसके बाद इसका क्लास प्लेट जल चुका है। तो गाइस, ये जो क्लास प्लेट है ये जल जाने का रीज़न यही होता है, जो बाइक ड्राइव करने के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्लचिंग करने के ऊपर भी डिपेंड करता है क्लास प्लेट। तो आई थिंक उस वजह से इसका क्लास प्लेट जल चुका है। सो गाइस, लास्ट तक जरूर देखते रहना इस वीडियो को, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेंशन करने वाला हूँ क्लास प्लेट का प्राइस का, जो बजाज पल्सर 220 में कौन सा वाला क्लास प्लेट चाहिए एंड क्लास प्लेट का क्या प्राइस है, ओरिजिनल क्या प्राइस है एंड ओरिजिनल क्या पार्ट नंबर है, सब कुछ मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो गाइस, लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो गाइस, इधर देखिए क्लास प्लेट ओपन हो गया है, तो आप लोग को मैं बाद में क्लास प्लेट दिखा दे रहा हूँ, इसका क्लास प्लेट का क्या कंडीशन है। तो गाइस, इधर मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो आप लोग तो देख ही सकते हैं, क्लास प्लेट चेंज करने का टाइम है, आप लोगों को मोबिल ड्रेन कर लेना होगा। तो मोबिल ड्रेन हो चुका है इधर, तो आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो मोबिल है आप लोग को रीयूज मत करना इंजन का खोलने के बाद, मतलब क्लास प्लेट चेंज करने का टाइम है, आप लोग ये इंजन ऑयल मत यूज़ करना, आप लोग को नया इंजन ऑयल यूज़ करना होगा। तो गाइस, इधर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, जो इसका जो प्रेशर प्लेट है, तो ये जो आप लोग देख सकते हैं, जो इसका प्रेशर प्लेट है, इसका क्लास प्लेट है, सब कुछ इधर ओपन हो चुका है। तो इधर आप लोग सब कुछ सेटअप देख सकते हैं, जो इसका टोटली असेंबली है, तो कौन कौन चीज़ चेंज होगा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज होगा, इसका क्लास प्लेट तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप लोग को इधर देख ही सकते हैं, जो इसका क्लास प्लेट का कंडीशन, तो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ क्लोज से, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसका क्लास प्लेट का कंडीशन ऐसा हो गया है, जो जल चुका है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसका जो गाइस प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट पर भी चेंज करना होगा, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ बाद में, बट जो क्लास प्लेट है इसको चेंज करना होगा, तो ये चेंज होगा। सो गाइस, एक्सिस में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग तो देख ही सकते हैं, जो इंजन का अंदर क्लास प्लेट जिधर रहता है, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, जो क्लास प्लेट जलने के बाद क्या हो गया है मोबिल के साथ, जो मिट्टी जैसा हो गया है। तो ये चीज़ होता है इंजन का अंदर, जो क्लास प्लेट जल जाने के बाद में, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, जो कचरा टाइप का हो गया है इसका इंजन ऑयल। तो इसका इंजन ऑयल रीयूज नहीं होगा, इधर आप लोगों को नया वाला इंजन ऑयल यूज़ करना होगा। सो गाइस, इधर देख लीजिए एक बार, जो इसका प्रेशर प्लेट को चेंज करना पड़ेगा, क्लास प्लेट का टाइम प्रेशर प्लेट चेंज करने से बहुत अच्छा होता है, तो प्रेशर प्लेट भी चेंज कर देगा इधर। तो आप लोग तो देख सकते हैं, जो इसका नया वाला क्लास प्लेट है, जो 1, 2, 3, 4, 5 प्रेशर प्लेट चाहिए, जो 5 प्रेशर प्लेट नया वाला है। तो ये है इसका क्लास प्लेट, तो क्लास प्लेट भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग तो देख सकते हैं, जो मोबाइल से थोड़ा इधर पेस्ट किया गया है क्लास प्लेट को, तो इधर पीस है, छोटा पीस है क्लास प्लेट का। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, जो इसका क्लास प्लेट है बजाज पल्सर 220 का, तो ए मॉडल है। तो इसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर एंड प्राइस भी दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, अब हो रहा है इसका सेटअप, जो क्लास प्लेट का सेटिंग करना चाहिए ठीक से, घाट टू घाट सेटिंग करना चाहिए, तो वही सेटिंग हो रहा है। सेटिंग होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा इंजन में। तो गाइस, इधर एक बार आप लोग देख लीजिएगा सारे का सेटिंग करता है, तो आप लोगों के लिए आई थिंक हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि ये जो सेटअप है आप लोग खुद मैकेनिक होने से आप लोग खुद इधर इंस्टॉल कर सकते हैं इंजन में, जो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस, ये इंस्टॉल हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इस टोटल प्राइस कितना आ रहा है क्लास प्लेट चेंज करने का। तो इधर सेटिंग हो गया है इसका क्लास प्लेट सब, इधर जस्ट इंस्टॉल होगा इंजन में। तो उसके बाद मैं आप लोग और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बस देख लीजिए। तो गाइस, ये है बजाज DTSI इंजन ऑयल, जो 20W50 में आप लोगों को मिल जाएगा, तो यही इंजन ऑयल इधर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग को एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो बजाज पल्सर 220 है, इधर आप लोग को 1200 ml इंजन ऑयल चाहिए, जो 100 लीटर का है, तो और आप लोग को 50 ml आप लोग एक्स्ट्रा डाल लेना होगा। तो गाइस, ये इंजन ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हैं हर बजाज का बाइक में, जो बहुत अच्छा एक इंजन ऑयल है। मैं खुद इस इंजन ऑयल का यूज़ करता हूँ, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो गाइस, यही इंजन ऑयल इधर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब जो सेटिंग हो रहा है, इसका क्लास प्लेट सेटिंग हो जा रहा है, तो सब कुछ इसका अंदर सेटिंग हो गया है, जो क्लास प्लेट प्रेशर प्लेट सब कुछ इधर सेटिंग हो गया है। तो गाइस, लास्ट में आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है।
सो गाइज इसका जो क्लास प्लेट था वो सेटिंग हो चुका है। तो अब जो इधर इंस्टॉल करना होगा इसका जो गैसकेट है, गैसकेट को आराम से इधर इंस्टॉल होगा। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं जो इसका गैसकेट है, गैसकेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इसका काम खत्म। तो गैसकेट का क्या प्राइस है सब कुछ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगा, उधर जाकर आप लोग चेक कर देना। तो गाइस गैसकेट इंस्टॉल करने के बाद इसका सेटिंग हो जा रहा है। तो आप लोग तो देख सकते हैं जो फुल्ली फुल इसका सेटिंग हो चुका है सब कुछ। तो गाइस मैं आप लोग को लास्ट में अब इसका प्राइस दिखा दे रहा हूँ सब कुछ पार्ट्स का क्या प्राइस है। सो गाइस पहले इसका प्रेशर प्लेट का पार्ट नंबर देख लीजिए, DK101565 जो प्रेशर प्लेट का पार्ट नंबर है। और इसका जो प्राइस है पर पीस का जो 14 रुपीज़ पर पीस का इसका प्राइस है। तो मैं आप लोग को पहले दिखा चुका था जो 5 पीस चाहिए, जो इधर आप लोग देख सकते जो 5 पीस है, तो 5 पीस इंटू 14 रुपीज़ जो आएगा वो टोटल प्राइस है प्रेशर प्लेट। सो क्लास प्लेट का जो पार्ट नंबर है मैं आप लोग को पहले दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग तो देख लीजिए 36PD00030। और इसका जो MRP प्राइस है 1105 रुपीज़ ओनली जो इसका क्लास प्लेट का प्राइस है। सो गाइज़ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और गाइज़ आप लोगों को फुल टोटल कॉस्ट अमाउंट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना आप लोग। और गाइज़ मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और गाइज़ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, नेक्स्ट कोई कॉन्टेंट में। आज के लिए यही तक, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड सरप्राइज।